तो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, गैप कर करके कभी रेगुलर बारिश हो रही है। तो काफ़ी भाई ये सोचकर कंफ्यूज हैं कि क्या ब्रीडिंग सीज़न आ गया है, बारिश होने लगी है, तो क्या हम अपने यहाँ पर मटकियाँ लगा दें, अपने बर्ड से ब्रीड लेना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बारिश स्टार्ट हो गई है तो क्या आप अपने यहाँ पर मटकियाँ लगा सकते हैं या नहीं। तो चैनल से जो भाई नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को कर दीजिएगा ऑन। तो फ्रेंड्स, बारिश वगैरह स्टार्ट हो गई है, काफ़ी जगहों पर ज़्यादा बारिश हो रही है, कुछ जगहों पर कम बारिश हो रही है। तो सभी का अपने यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग मौसम है। तो भाई कंफ्यूज हैं, जिनके यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है तो वो सोच रहे हैं कि क्या मटकियाँ लगा देनी चाहिए अभी या नहीं। देखिए, बात करते हैं हम अपने यहाँ की, तो हमारे यहाँ पर अभी बारिश जो है हो रही है, लेकिन इतना अभी बारिश का मौसम आया नहीं है। एक दो दिन बारिश हो जाती है, उसके बाद फिर तेज़ गर्मी भी पड़ने लगती है। तो अभी हम अपने यहाँ पर मटकियाँ बिल्कुल नहीं लगाने वाले हैं। अभी हम एक महीना लगभग और इंतज़ार करेंगे, जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में हम अपने यहाँ पर मटकियाँ लगाएंगे। और जिन भाइयों के यहाँ पर ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और बारिश का लगभग मानसून आ चुका है, उनके यहाँ पर बारिशें स्टार्ट हो गई हैं, रेगुलर बारिश होंगी, जिनके यहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री से कम हो चुका है, तो वो भाई चाहें तो अपने यहाँ पर मटकियाँ लगा सकते हैं और अपने बजीज पैरट से ब्रीड ले सकते हैं। लेकिन जिन भाई के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, केवल एक दो दिन बारिश हुई है, उसके बाद गर्मी वगैरह पड़ रही है, तो वो अभी मटकियाँ ना लगाएं। तो बारिश वगैरह देख सकते हैं आप, हमारे यहाँ पर भी हो रही है और एक दो दिन बारिश होती है, देख रहे हैं ये बारिश काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन उसके बाद जो है धूप निकल आती है और लगातार फिर तेज़ गर्मी पड़ने लगती है। तो हम अभी अपने बजीज पैरट को मटकियाँ नहीं देंगे, अभी उन्हें एक महीने का और वेट कराएंगे। तब तक हम उनकी अच्छे से केयर वगैरह करते रहेंगे, उनको डाइट अच्छी देंगे और उनको विटामिन्स और कैल्शियम वगैरह का भी कोर्स कराते रहेंगे। उसके बाद जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में मटकियाँ देंगे हम अपने बजीज पैरट को। तो भाई लोग, आपके यहाँ पर अगर ज़्यादा बारिश हो रही है, मानसून आ गया है, टेम्परेचर 30 डिग्री से कम है, तो आप अपने यहाँ पर मटकियाँ लगा दें और अपने यहाँ पर आप ब्रीडिंग लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई देखिए, अभी थोड़ा सा वेट ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा इस तरह का मौसम है कि कभी मौसम ठंडा हो जाता है, कभी गर्मी होने लगती है, बारिश होती है, कभी अगले दिन गर्मी हो जाती है, तो अभी मटकियां ना ही लगाएं। लेकिन जिन भाइयों के यहाँ पर लगता है उनको कि लगातार बारिश होगी उनके यहाँ पर अभी, तो वो मटकियां अभी लगा सकते हैं, वरना आप चाहें तो हमारे साथ मटकियां लगाएं। हम लोग जब अपनी मटकियां लगाएंगे तभी आप भी अपने यहाँ पर मटकियां लगा सकते हैं। तो बरसात में थोड़ा सा ख्याल भी रखना होता है अपने बर्ड्स का, पानी वगैरह का भी ख्याल रखना होता है, पानी गंदा नहीं रहना चाहिए, उससे जो है मोशन वगैरह लग जाते हैं। तो बरसात वगैरह हुई है तो बर्ड्स भी कुछ थोड़ा सा सुस्त हो गए हैं, पहले पहले दिन बहुत एक्साइटेड थे बर्ड, जिस दिन बारिश वगैरह हुई थी तो थोड़ा भीगे थे, लेकिन अब थोड़ा सा सुस्त हो गए हैं बर्ड। बारिश होने के बाद मौसम चेंज होता है तो थोड़ा सा बजीज पैरट थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं, तो एक दो दिन में बर्ड्स जो है वो भी ठीक ठाक हो जाएंगे। तो अब जो है दोस्तों, हम खाली टाइम चल रहा है, इस टाइम ब्रीडिंग नहीं हो रही है, तो अब हम कॉलोनी में थोड़ा सा पेंट वगैरह करेंगे, कॉलोनी के अंदर थोड़ा सा नया पेंट करेंगे। तो आप लोग एडवाइस देकर बताएं, कमेंट कर कर बताएं कि कॉलोनी में किस कलर का पेंट वगैरह करें। तो अब हम आज पेंट वगैरह स्टार्ट करेंगे अपनी कॉलोनी के अंदर करना, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपको कॉलोनी में नया पेंट देखने को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट करके सजेस्ट करें कि किस तरह का, क्या यही कलर ठीक रहेगा हमारी कॉलोनी में या कोई कलर हमें चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों, बस यही आपको बताना है कि अभी जो है बरसात वगैरह तो हो गई है, लेकिन अभी हम लोग मटकियाँ नहीं लगाने वाले हैं और अभी थोड़ा हम वेट करेंगे। अगर आपके यहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ है, 30 से नीचे टेम्परेचर आ गया है और लगातार रहने वाला है थोड़े दिनों तक,
तो आप जो हैं अपने यहाँ पर ब्रीड ले सकते हैं, मटकियाँ वगैरह लगा सकते हैं। तो आने वाले टाइम में मटकियाँ किस तरह से लगानी है, उनको लगाने का सही तरीका क्या है, और स्टिक वगैरह किस तरह से बांधनी है, मटकियों में होल किस तरह से करें, तो इन पर टॉपिक्स पर वीडियो आने वाली हैं। तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा हमारी। तो इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। गुड बाय।